क्वेश्चन 19। टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड माइनस टू क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट्स ए कॉमा जीरो एंड फोर ए कॉमा जीरो रिस्पेक्टिवली। वॉट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3a विद इट सेंटर एट द ओरिजिन। यहाँ पे सेंटर रखना सर्कल का, ए टू ए एन थ्री ए टू एन थ्री ए टू एन थ्री ए टू एन थ्री ए। ये हमारा स्फीयर है। अब कहाँ रखे हैं चार्जेस? माइनस टू क्यू रखा है ए कॉमा जीरो पे और क्यू रखा है फोर ए पे, फोर ए कॉमा जीरो यहाँ पे। सो फ्लक्स निकलना है तो कितना हुआ? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3a? तो फ्लक्स हो जाएगा सिर्फ माइनस टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन। दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन। नाउ इसका और पार्ट देख लेते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर सी टू इन द सर्किट शोन इन द फिगर। गिवन दैट पोटेंशियल एट ए इज 90, सी वन 20, सी टू 30 एंड सी थ्री 15। ये जीरो बना लेते हैं इसको। 19 का और वाला है ये। ये है आपका 20 माइक्रो फैरेड, ये है सी टू इज 30 माइक्रो फैरेड एंड सी थ्री इज 15 माइक्रो फैरेड। ये 90 और ये जीरो, क्योंकि अर्थ दिखाया है वहाँ पे डायग्राम में, अर्थिंग दिखाई हुई है। तो यहाँ से लेकर 90, तो हर जगह पर जो चार्ज है वो सेम रहेगा, है ना? और हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर सी टू। चार्ज सेम है तो हम लिख सकते हैं सी वन, पहले इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, सी वन इंटू सी टू इंटू सी थ्री अपॉन सी वन सी टू, सी टू सी थ्री एंड सी थ्री सी वन। ये आपका सी इक्विवेलेंट आ जाएगा ओवरऑल। इससे हम टोटल चार्ज निकाल पाएंगे। तो कितना हो गया? 20 इंटू 30 इंटू 15 अपॉन 20 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 20। ये सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 690 और 20 डिवाइड बाय 600 प्लस 4 450 प्लस 300। सही है। कितना आ गया ये? 9000 डिवाइडेड बाय 900 और 1350। सो वी हैव कैंसिल 45 20 जा और 45 3 जा, 20/3 आ गया सी इक्विवेलेंट, ओके, माइक्रो फैरेड। अब क्यू टोटल आ जाएगा सी इक्विवेलेंट इंटू 90। सी इंटू वी होता है ना, 20/3 इंटू 90, 30 से 600 माइक्रो कूलम। ये आ गया। अब आप इसमें वोल्टेज निकाल सकते हो जो हमने पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछी है ना, हाँ, बीच वाले में सी टू में। सो सी क्यू बराबर सी वी होता है, तो वी आ जाएगा क्यू बाय सी। सो वोल्टेज अक्रॉस सी टू निकाल रहा हूँ, क्यू टू सी टू वी टू, क्यू टू बाई सी टू वी टू निकल आएगा। क्यू टू कितना है? 600 अपॉन सी टू इज 30 माइक्रो फैरड, 20 वोल्ट आ जाएगा आंसर। चलिए पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया इसका, वोल्टेज निकाल लिया। दूसरा एनर्जी निकालना है तो यू आ जाएगा, ये तो हाफ सी वी स्क्वायर से कर लो या क्यू स्क्वायर बाय टू, सिर्फ दोनों ही चीज़ें निकालना ही तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सी टू इज 30, 30 लिया ना मैंने, क्यू स्क्वायर बाय टू सी, क्यू क्यू बाई सी 30 लिया, ठीक है, सही है। हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, वॉट इज वी? 20 का स्क्वायर, सो आई गेट 400 का 20, 200 इंटू 30
1/20, 400, 200, 6000 माइक्रो जूल, दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन।